तो ये वीडियो आप लोग के रिवीजन के लिए रहने वाला है। जिस वीडियो को देखकर आपका फिजिक्स का एक तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय बाय टाटा गया मजा है। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी इस रिवीजन सीरीज को। और लेकर आया हूं मैंने आप लोगों के लिए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जो रहने वाला है फिजिक्स क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? हर मैग्नेट के अराउंड में एक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाकर टर्मिनेट होती है, साउथ से फिर वो नॉर्थ की तरफ जाती है। मतलब मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज लूप को फॉलोअप करते हुए चलती है। मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट होती है वो होती है टेस्ला 10 रेस्ट, और जो 1 टेस्ला है वो होता है 10^4 गॉस के बराबर। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ही 1 टेस्ला कहा जाता है। आखिर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता कैसे चला? तो ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम लोगों ने इसको पता कर पाया। हमने बैटरी को ऑन करे, बैटरी जैसी ऑन हुई तो यहां से करंट दौड़ाई तो यार भाई हम लोगों ने बाजू में कंपास रख दिया, तो कंपास में डिफ्लेक्शन शो हुआ। तो हमें समझ में आया कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड में एक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ अलग टाइप की फील्ड है, और इसे नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को कैसे पता किया जा सकता है? तो आप लोग या तो मैक्सवेल के थंब रूल के थ्रू यूज कर सकते हो, या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल के थ्रू आप लोग इसको समझ सकते हो। थंब रूल में आप लोग या तो एक डायरेक्शन करंट का ले लो, जहां फिंगर्स कर्ल हो रही है वो आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो चलिए आइए कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बायो सेवर्ट लॉ या एम्पियर्स लॉ के थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं। तो बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है? बायो सेवर्ट लॉ भैया ये कहते हैं कि बहुत लंबा सा वायर है, उसकी पूरी मैग्नेटिक फील्ड तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, मैं छोटे से पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने की मदद कर सकता हूं। तो बायो सेवर्ट लॉ एक्चुअल में एलिमेंटल पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम आता है। एक्चुअल में यहां पे एलिमेंटल पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन थीटा के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस स्पेसिफिक सेक्शन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जिस पॉइंट पर आप लोग निकाल रहे हो उसके बीच के डिस्टेंस के। इन सबको साथ में लिख दो तो यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना पड़ेगा और फॉर्मूला आएगा आप लोग का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन r2। ये एक स्केलर क्वांटिटी आप लोग को दिख रही है, इसमें आप लोग r से इनटू r से डिवाइड कर दो तो आप लोग का फॉर्म बन जाएगा वेक्टर फॉर्म में। इसी की एक एप्लीकेशन है जो ये कहती है कि करंट कैरिंग लूप है, इस करंट कैरिंग लूप में बीचों बीच कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, तो वो होती है आप लोग की म्यू नॉट आई अपॉन 2R। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए लेना है तो वो हो जाएगी n म्यू नॉट आई अपॉन 2R। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स जो स्पेसिफिक कॉइल के है वो। इसके बाद आप लोग को पूछा जा सकता है बताइए मैग्नेटिक फील्ड किसी स्पेसिफिक रिंग के पी पॉइंट पर कितनी होती है। तो उसके लिए आप लोग को दो एलिमेंटल पोर्शन के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली निकालना पड़ेगा। बीचों बीच आप लोग का रिजल्टेंट डायरेक्शन निकल जाएगा जो आएगी डीबी साइन थीटा की वैल्यू, उसको आप लोग को इंटीग्रेट कर देना। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई का स्क्वायर अपॉन 2R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले के थ्रू 5th चैप्टर में एक डेरिवेशन इसी के आगे सॉल्व होता है। अगला लॉ है जिसका नाम है एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ एक्चुअल में जैसे गॉस लॉ था सेम टू सेम यहाँ पे एम्पियर्स लॉ है। तो एक्चुअल में एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है किसी एक लूप के अंदर वो म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज विद इन द सरफेस होगी। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल डॉट इसलिए कॉस थीटा आ जाएगा विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ये एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसके थ्रू आप लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। एम्पियर्स लॉ तभी वैलिड होता है जब मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल हो डीएल लेंथ के, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल हो डीएल लेंथ के, और मैग्नेटिक फील्ड या तो वैनिश हो जाए। याद रखिएगा अगर आप लोग को एम्पियर्स लॉ सॉल्व करना है तो उसके लिए आप लोग को एम्पियर्स का लूप बनाना जरूरी है। लूप के अंदर जितने भी करंट ट्रेवल करेंगे उसी के थ्रू आप लोग यार एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। लूप के बाहर अगर कोई करंट दौड़ रहा है तो उसके लिए ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसकी एक ही एप्लीकेशन है, एग्जाम में आ सकती है। आपसे ये कहा जाएगा बहुत लंबा सा वायर है, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा रहा है और एक करंट दौड़ रहा है उसके ऊपर, तो बताइए कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो इसके लिए बेसिकली आप लोग को यहाँ पे एम्पियर्स का लॉ लगाना है, डॉट प्रोडक्ट हटाना है, और डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी लूप के लिए टोटल लेंथ हो जाएगा 2πr, और 2πr की वैल्यू रख दोगे तो आप लोग के पास मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी म्यू नॉट आई इनसाइड अपॉन 2πr। तो अगला टॉपिक है आप लोग का सोलेनोइड, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सोलेनोइड क्या है? एक किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आर्टिफिशियल फॉर्म का मैग्नेट बनाया गया जिसमें आप लोग करके रहे एक नॉन कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर आप लोगों ने एक वायर का लूप बना दी जिसके थ्रू एक हेलिकल स्प्रिंग शेप का यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। जैसे आप करंट दौड़ाओगे तो इसके अंदर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लग जाती है और ये बिहेव करता है एज लाइक अ बार मैग्नेट। तो कुछ कंडीशन आप लोग को याद रखनी है, वायर यहाँ पे इंसुलेटेड होना चाहिए। जब भी आप सोलेनोइड को यार सस्पेंड करते हो फ्रीली तो वो भी अपने आप अलाइंड हो जाता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर जैसे बार मैग्नेट होता है। तो जैसे आप लोग पोलैरिटी चेंज करोगे तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कई बार एग्जाम में आप लोग को कहा जाता है कि बताइए सोलेनोइड के बीचों बीच कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकल के आती है। तो इसको निकालने के लिए आप लोग को एक एम्पियर्स का लूप बनाना जरूरी है। इस लूप में आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे ये वाला एलिमेंटल पोर्शन का नाम L है, इस एलिमेंटल पोर्शन का नाम H है, इसका नाम X है। याद रखिएगा ये बाहर का पोर्शन है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी नहीं। ये 90 डिग्री बन रही है डीएल लेंथ मैग्नेटिक फील्ड से तो ये जीरो हो जाएगी। सेम टू सेम ये भी 90 डिग्री बन रही है डीएल लेंथ के तो मैग्नेटिक फील्ड से तो ये भी जीरो हो जाएगी। ये वाली जो लेंथ है डीएल लेंथ ये मैग्नेटिक फील्ड के 0 डिग्री के एंगल में।
में, तो इसी के फॉर्म में आप लोग को वैल्यू निकल के आएगी, इसकी वैल्यू को रखना है। और यहाँ पे कितना करंट दौड़ेगा, सिंपल करंट आई नहीं दौड़ेगा, यहाँ पे एन नंबर ऑफ करंट आई दौड़ेगा। और एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू होती है स्मॉल एन एच। इसकी वैल्यू को यहाँ रख दोगे तो आपके पास जो रिस्पेक्टिव फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा म्यू नॉट स्मॉल एन आई। तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप लोग का मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब ये कि आप लोग एक करंट कैरिंग वायर लिए, उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बनी। सोचो कि करंट कैरिंग वायर के बाजू में चार्ज दौड़ रहा था, तो चार्ज अपने आप वायर की तरफ घिंचा चला आएगा एक ऐसे टाइप से फोर्स से जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हुआ, उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। और इसकी वैल्यू होती है क्यूवीबी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स में वर्क डन जीरो लगता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला टॉपिक है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स एक ऐसे टाइप का फोर्स है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है। अगर मैं किसी एक चार्ज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देता हूं तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड का भी फोर्स यहाँ पे लग रहा है। दोनों टाइप के फोर्स जब यहाँ पे एक साथ लगेंगे उसे कहा जाता है लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है, वो होता है क्यू ब्रैकेट के अंदर ई प्लस वी क्रॉस बी। याद रखना साइक्लोट्रॉन, वेलोसिटी सिलेक्टर, कैथोड रे ट्यूब, ये सभी के सभी इसी पे वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोग का वेलोसिटी सिलेक्टर। तो एक ऐसे टाइप का रीजन है या ऐसे टाइप का डिवाइस है जो एक्चुअल में किसी भी चार्ज की वेलोसिटी को पता कर सकता है, कितनी वेलोसिटी के साथ वो चार्ज भाग रहा है। मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज वी वेलोसिटी के साथ भाग रहा है। अगर चार्ज सीधा निकल गया इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बराबर लग रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लग रही है तो पैराबोलिक अपवर्ड कर्व बनेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लग रही है तो पैराबोलिक डाउनवर्ड कर्व बनते हुए नीचे आएगा। अगला टॉपिक आप लोग का ये है कि अगर मैं किसी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर देता हूं तो उसके साथ क्या होता है। तो जब मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के पास रख तो कंडक्टर पे अपने आप फोर्स लगने लग जाता है, और ये जो फोर्स है डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन पे। जो फोर्स इस पे लग रहा है ये डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फोर्स। और मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स जो है एक्चुअल में वो वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो आप लोग कहोगे कि कितना फोर्स लग रहा है भैया एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, तो वो जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं आईबीएल साइन थीटा। अगला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर दो पैरेलल वायर है, मान लो सेम डायरेक्शन पे करंट दौड़ रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा है, तो किस तरीके से फोर्सेस उनके ऊपर लगते। तो याद रखना सेम डायरेक्शन में अगर करंट दौड़ रहा है तो दोनों वायर एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर डिफरेंट डायरेक्शन पे करंट दौड़ रहा है इसका मतलब कि जो वायर है उन दोनों के बीच में रिपल्शन होने वाला है। तो एग्जाम में आप लोग को याला केस आने वाला है, इसमें आप लोग को ये चीज देखना है कि पहले वाले वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो दूसरे वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, और दूसरे वाले वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है। तो यहाँ पे आप निकालने वाले हो F21, यहाँ पे निकालने वाले हो F12। तो सबसे पहले हम लोगों ने निकाले F21। तो यहाँ से जो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू निकल के आती है वो आती है म्यू नॉट आई1 आई2 अपॉन 2 पाई डी, और डी क्या है दोनों वायर्स के बीच के डिस्टेंस। याद रखिएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले वायर की दूसरे वाले वायर को इन्फ्लुएंस कर रही है। बस एक चीज यहाँ पे याद रखना, जब आप लोग ये वाला फॉर्मूला लोगे तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि वायर कौन सा लिए थे, सेकंड वाला। किसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी सेकंड वाले वायर पे, पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसलिए ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ कि यार पहले वाले वायर पे दूसरे वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लग रही, तो उस टाइम पे यार पहले वाला वायर पे फोर्स लग रहा तो उसका करंट लेना, दूसरे वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर अपने आप फोर्स लग रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड B2 लोगे। बाकी फर्दर सॉल्व करोगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखोगे, ये भी निकल के आएगी फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू जो आएगी म्यू नॉट आई1 आई2 अपॉन 2 पाई डी। और याद रखिएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों के लिए निकल के आएगी म्यू नॉट आई1 आई2 अपॉन 2 पाई डी। इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे कहा जाता है 1 एम्पीयर को डिफाइन करके दिखाओ फोर्स के टर्म में। मतलब क्या कि दो वायर है जिसमें सेम डायरेक्शन पे करंट दौड़ रहा है 1 एम्पीयर का, दोनों वायर 1 मीटर की लेंथ से सेपरेटेड है, तो उसपे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो अगला टॉपिक है आप लोगों का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, सेम टू सेम यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये क्या होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। अगला है मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू एरिया ऑफ लूप। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है आई ए, इसको एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए निकाल सकते हैं तो एन आई ए हो जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक ये कहता है कि करंट कैरिंग लूप जो है एक्चुअल में बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह। अगला टॉपिक निकल के आता है कि अगर मैं किसी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग लूप को प्लेस कर देता हूं तो ये अपने आप घूमर करने लग जाती है, मतलब ये रोटेट होने लग जाता है। इसका ये वाला डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ जाएगा, हर स्पेसिफिक एरिया का एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर तरफ होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, एरिया वेक्टर इस तरफ लग रहा है, तो इस पे टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क कब लगेगा, जब दोनों तरफ से फोर्स लगेगा कॉइल पे, इधर से भी फोर्स इधर से भी फोर्स, इस वजह से ये कॉइल अपनी जगह में घूमने लग जाएगी। तो आइए कितना टॉर्क यहाँ पे जनरेट होता है, तो ये होता है आप लोग का MB साइन थीटा, जिसे हम लोग कहते हैं M क्रॉस B। इसी के साथ साथ अगला टॉपिक है आप लोग का कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है। तो याद रखिएगा एक ऐसे टाइप का डिवाइस है जो छोटे से छोटे पिद्दू से पिद्दू, बाटुक से बाटुक करंट को पता कर पाता। इसका जो प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है इससे पहले वाले डेरिवेशन पे। मतलब क्या कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कॉइल को रख दे तो वो टॉर्क जनरेट करने लग जाता है, इसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन की बात करी जाए तो एक आप लोग को लेना है सिलेंड्रिकल शेप का
आयरन कोर, उसके ऊपर आप लोग को लूप लगा देना है किसका, कॉइल का, और जो कॉइल है वो लटकी हुई है बॉक्स के इस पोर्शन से इस फॉर्म में, मतलब बीच में लटका दिए, और याद रखना ऊपर में ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और जो कॉइल है ये एक्चुअल में कनेक्टेड है निडल से, और निडल बाहर आप लोग को स्केल के थ्रू दिखाएगी। आपको याद होगा गैल्वेनोमीटर में बीचों बीच जीरो होता है, अगर करंट दौड़ेगा तो क्या होगा, करंट दौड़ेगा तो देखो होगा क्या, यहाँ पे आप लोग के पोर्ट हो गए, करंट दौड़ेगा, करंट कैरिंग कॉइल, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो टॉर्क जनरेट करेगी, मतलब या तो इधर जाएगी या तो इधर, मान लो इधर गई तो डिफ्लेक्शन शो हुआ, अरे भाई इसको वापस जीरो डिग्री में भी तो आना है ना, जैसे आप लोग करंट हटाओगे तो इस वापस से टॉर्क को लगाने के लिए, ट्विस्टिंग टॉर्क को लगाने के लिए आप लोग स्प्रिंग यूज कर रहे हो। तो एक्चुअल में यहाँ पे कितना टॉर्क जनरेट हुआ, जो इससे पहले वाले डेरिवेशन में निकल के आया था, कितना आया था, NIAB। और अगर मैं कहता हूं कि यार कितना ट्विस्टिंग टॉर्क जनरेट होता है, तो याद रखना ट्विस्टिंग टॉर्क जो है एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के, और जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते तो सी आ जाता है, जिसे हम लोग टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। तो टाउ की एक वैल्यू आ गई, इससे पहले वाली वैल्यू आ गई, दोनों को कंपेयर करो, यहां से आई की वैल्यू निकल जाएगी, यहां पे सी एन बी ए तीनों के तीनों कांस्टेंट है, इसे कहा जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, जो इसे जी से डिनोट करेंगे, और यहां से हमें निकल के आ जाएगा कि जितना ज्यादा करंट दौड़ाओगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिफ्लेक्शन के। इसी के साथ साथ जो सेंसिटिविटी है डिपेंड करती है दो चीज पे, करंट सेंसिटिविटी होती है और एक दूसरी होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी होती है आप लोग की, दैट इज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द स्केल टू द करंट, और दूसरा होता है डिफ्लेक्शन ऑफ द स्केल टू द वोल्टेज। तो अगला आप लोग का टॉपिक है कि अगर आप लोग को गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप लोग को याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर के साथ आप लोग को पैरेलल में एक रेजिस्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, तो ये किस्म से वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा वो होगा V/Ig-G। तो अगला आप लोग का कि अगर आप लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसमें आप लोग को करना क्या, गैल्वेनोमीटर के आप लोग को पैरेलल में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देना है। इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने की वजह से लो रेजिस्टेंस यहाँ से प्रोड्यूस होगा, हाई अमाउंट का करंट दौड़ेगा। जब ये लो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है तो इसे ही कहा जाता है शंट। तो मैं कह सकता हूं यहां पे आप लोग एक शंट लगा रहे हो, एस की वैल्यू होती है Ig/I-Ig, ब्रैकेट के बाहर कैपिटल जी, जो कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। तो यहां से आप लोग का चैप्टर होता है समाप्त। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही साथ मैं आप लोग के लिए 5 डेज की प्लेज लेकर आया हूं, जहां पे आप लोग के लिए मैं डे टू डे कवर अप करवा रहा हूं इस एग्जाम के बीच में डिटेल वे में। तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज आप लोग की क्लास होने वाली है 8 बजे, तो आप लोग इसको लाइव देख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। जब आप लोग क्लास में जाओ तो इनविटेशन कोड यूज कर सकते हो ZAKI, जिसके थ्रू आप लोग की क्लास अनलॉक हो जाएगी। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि सीरीज कैसी लग रही है, लास्ट मोमेंट के लिए तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।